इज इनोसेंस। अब इसमें आप देखेंगे जो इमेज बोलती है, देर आर फ्लावर्स ब्लॉसमिंग एंड दिस इज अ वाइज मैन। व्हाई आई एम सेइंग वाइज, बिकॉज पीपल गो वाइज विद द एक्सपीरियंसेस एंड द वाइट बियर्ड एंड हेयर दे शो दैट दिस पर्सन इज मैच्योर्ड वाया एक्सपीरियंस एंड दैट पर्सन इज एंजॉयिंग नेचर। हाथ पे ग्रास हॉपर है, नेचर के बीचों बीच बैठा है। So it shows more connected towards nature, and nature in its pure form is as innocent as a child. Now, old man in this card, वो क्या बता रहा है कि बच्चे जैसा एक delight है उसके अंदर, and there is a sense of grace surrounding it. जो हम flowers देख रहे हैं, वो कितने graceful लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है as if this person is at home, खुद के साथ है, and ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज हैविंग अ वेरी प्लेफुल कम्युनिकेशन जो उसके हाथ पे ग्रास होकर बैठा है उसके साथ। पिंक फ्लावर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट दिस इज अ टाइम टू लेट गो एंड बिलीव मी वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस लेट गो, आप जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं आप बहुत हल्का और रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। नाउ इसके प्रेजेंस में आप इसकी खुद के क्वालिटीज का रिफ्लेक्शन देखते हैं। द इनोसेंस दैट कम्स फ्रॉम डीप एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इज चाइल्ड लाइक, लेकिन चाइल्डिश नहीं है। चाइल्ड लाइक क्यों है? क्योंकि वो बर्डन नहीं कैरी कर रहा, दैट पर्सन इज लेटिंग गो थिंग्स, तो ही हैज नो स्ट्रेस, ही इज नॉट कैरिंग दैट बर्डन, बट देन इट इज नॉट चाइल्डिश। इनोसेंस जो बच्चों में हम देखते हैं वो खूबसूरत होती है लेकिन इग्नोरेंट नहीं होती, एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय मिस्ट्रस्ट एंड डाउट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ अस बीइंग चिल्ड्रन या व्हेन वी सी चिल्ड्रन अराउंड अस, सो वी सी देम एज इनोसेंट, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं दे सी थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, पीपल अराउंड देम, एंड देन दे गेट अडैप्टेड टू द सेम एनवायरमेंट। ऐसे ही बड़े होके वो झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, वो मिसट्रस्ट भी एक्सपीरियंस करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन इनोसेंस कब है? जब क्वालिटी ऑफ विजडम एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एवर चेंजिंग वंडर ऑफ लाइफ, अगर आप एक्सेप्टेंस दे दे कि चेंजेस तो होंगे, लाइफ के हर स्टेप पे चेंजेस होंगे, पीपल चेंज, रिलेशंस चेंज, एक्सपीरियंसेस चेंज, तो व्हेन यू आर रिसेप्टिव टू चेंजेस दैट इज व्हेन यू गेट विजडम, तब आप सीख पाते हैं उससे। नाउ रिलेटेड टू द सेम, अगर हम देखें ओशो की टीचिंग्स क्या है। Now Zen says, if you drop knowledge, and within knowledge, everything included. Knowledge क्या? जो हमारे logical mind के हिसाब से होती है, यानी कि आप कौन है, क्या है आप, अगर आप ये सब छोड़ दें, क्योंकि ये सारी identity दूसरों के द्वारा आपको दी गई है, तो अगर आप जो कुछ भी दूसरों ने आपको दिया है वो अगर आप छोड़ देंगे तो यू एक्चुअली एक्वायर इनोसेंस। एक तरीके से ये क्रूसिफिकेशन ऑफ पर्सोना है, जहां दूसरों की दी हुई पर्सनालिटी को आप क्रूसिफाई करते हैं और अपनी इनोसेंस से जा मिलते हैं। सो दिस इज अ कार्ड विच ऑल्सो इंडिकेट्स बींग रीबॉर्न विथ इनोसेंस, उस इनोसेंस के साथ आप दोबारा अवतरित होते हैं या दोबारा जन्म लेते हैं।